जय गणेश। मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज का ये वीडियो है राहु ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में। 18 अगस्त 2017 को कर्क राशि में चलने वाले राहु सर्वप्रथम चलेंगे आश्लेषा नक्षत्र में। आश्लेषा नक्षत्र में जो राहु ग्रह का भ्रमण है वो 26 अप्रैल 2018 तक है। अप्रोक्सीमेटली 8 महीना और 8 दिन आश्लेषा नक्षत्र में चलने वाले राहु राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि में, जो कोई भी जातक का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, इनके लिए कैसा फल देने वाले होंगे इसके बारे में है। जो कोई भी जातक का जन्म कर्क राशि एवं आश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, इनके चंद्र के ऊपर ही राहु का भ्रमण होगा। आश्लेषा नक्षत्र में राहु का भ्रमण, जो कोई भी जातक का जन्म कर्क राशि एवं आश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, इनके लिए शुभ नहीं होगा। हालांकि ये राहु संपत्ति में वृद्धि करने वाले तो होंगे, लेकिन आपको ये राहु गलत डिसीजन दिलवा सकते हैं, क्योंकि जब चंद्र के ऊपर राहु का भ्रमण होता है तो प्रबल ग्रहण योग कहलाता है, और ग्रहण योग के इफेक्ट के अंदर खास करके आप कोई भी गलत डिसीजन ना ले ले उसका आपको विशेष केयर करना होगा। यानी कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए, और खास करके आपको रिलेशनशिप में, यदि आप मैरिड हैं तो रिलेशनशिप में आपको केयर करना होगा अपने पार्टनर के साथ। राहु के अशुभत्व के निवारण के लिए खाने में हरा वाला मूंग, तिल और गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। ज्योतिषी विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार आप राहु का रत्न भी धारण कर सकते हैं, और इसके लिए आप हमें अवश्य संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9998011838। यदि आपके कोई मित्र हैं कर्क राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको ज़रूर शेयर करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। फेसबुक, गूगल प्लस, व्हाट्सएप इत्यादि माध्यम से वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। कॉमेंट्स जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।